अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है ना लुक, ये वाला पीछे पीछे से दिखाइए। शुक्र है, अब जो है थोड़ा सा दिन निकल रहा होता है तो वैन आती है, और आज 5 मिनट जो है वो लेट भी हो गए। हसीन सुबह अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज जो है मुझे जाना है एक इवेंट में, और वो इवेंट पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपनी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। तो बस आपने करना ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट से बताना है कि कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग आपको। तो चले जी, तैयार होते हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने अपने फेस पर FW ऑर्गेनिक्स का जो फेस पॉलिश जो मैंने मंगवाया था कुछ दिनों पहले, वो आज मैंने फिर से अपने फेस पर जो है वो अप्लाई किया है, और रिज़ल्ट देखें कितनी ग्लोइंग स्किन कर रही है और कितना अच्छा रिज़ल्ट है। अभी मैंने फेस पर जो है वो कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन इतनी ग्लोइंग कर रही है, इसका रिज़ल्ट देखें। मैं FW की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही ना कुछ, बस मेरा अपना जो एक है रिव्यूज़, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। FW ऑर्गेनिक्स बेस्ट। अभी मैं फेस में पिंपल्स की वजह से जो है कुछ भी अपने फेस पर केमिकल वाली चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी, बस अभी थोड़े बेटर होना शुरू हुए तो मैंने कहा चलो मैं अभी करती हूँ, तो बस मैंने किया है। मैंने FW ऑर्गेनिक्स की डबल क्लिंजर, डबल एक्शन क्लिंजर और स्क्रब भी मंगवाया हुआ, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। जब भी मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसके रिव्यूज़ भी। ये ड्रेस जो है मैंने प्रेस करके हैंगर कर दिया है, ये लखानी का ड्रेस है, मैंने इनके पेज से मंगवाया था। बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस है, और इसमें जो बूटियाँ हैं बारीक बारीक, बहुत अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। अभी मैं जो है वो तैयार हो गई हूँ, मेकअप मैंने कर लिया है पूरा कंप्लीट, बस कपड़े जो है वो अभी चेंज नहीं किए क्योंकि राहिल अभी आएंगे, जब वो आएंगे वो रेडी होंगे तो फिर मैं चेंज करूँगी। तो अभी तक का मेरा ये है लुक, मेरा मेकअप। बच्चे जो हैं वो सो जाएंगे क्योंकि कल है उनका स्कूल, और मैं और राहिल और मेरे सबसे छोटे जो बेटे हैं साहिद, वो साथ जाएंगे क्योंकि वो शाम में जो है आकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। आर्य और साहिल जो है उनको नींद आ रही है तो वो लोग जो है वो सो जाएंगे। मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ, आप मेरे साथ चलेंगे, साहिल जो है वो मेरे साथ जाएंगे। चले गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं, राहिल जो है वो नीचे जा चुके हैं, और ये है मेरा फुल लुक, ठीक है? और अगर मेरा फुल लुक देखना है तो मेरे इंस्टा को फॉलो करें। ये मैं माइयों में जो है वो पहुंच गई, और अभी अभी थोड़े से मतलब मेहमान जो है वो कम है, लेकिन निकाह हो रहा था लड़की का, तो इसलिए स्टेज पर बहुत ज़्यादा जो है वो रश चल रहा था, निकाह भी था और माइयों भी थी। ये आए हमारे साथ बोर होने हैं, बोर हो रहे हैं डॉली। ड्रेसिंग देख मुन्नी, इधर देखिए, मुन्नी के ऊपर नहीं देख रही भाई, नहीं देख रही, नहीं देख रही। हाँ खड़ा कर, इसको उसका शरारा दिखाती हूँ, माशाल्लाह से गरारा पहनी हुई है। आहा आहा आहा, इतना प्यारा ड्रेस, इतना प्यारा ड्रेस। थाल जो है बिरयानी का खाली कर दिया तुम लोगों ने, ये खा लिया है लोगों ने। ना बोर हो गए ना, मेरा मुन्ना जो है वो बोर हो गया है।
आई हूँ तो बच्चे जो है वो सो रहे थे, अनम जो थी उनके पास थी। घर आ गई हूँ और सबसे पहले आते ही मैंने अपने लेंस रिमूव किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बाइक पर मिट्टी मेरी आंखों में गई है ना, वो जाते वक्त भी मेरा इतना सारा मसला हुआ है लेंस का, जाते वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा आंखों से मेरे आंसू आए, इतने आए, वो मिट्टी इतनी ज़्यादा मेरी आंखों में जा रही थी। उसके बाद मैं अपनी कज़न के घर गई, वहाँ से करीब में था, वहाँ जाकर मैंने लेंस को जो है रिमूव करके उसको वॉश करके वापस लगाया, अपना थोड़ा सा मेकअप सही किया मैंने, क्योंकि पूरे आंसू बह रहे थे। तो बस उसके बाद जो है मैं भी माइयों में चली गई थी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब जाएंगे इंशाल्लाह ताला बारात में, तो वो वाला व्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब जो है मैं फ्रेश होंगी, चेंज करूँगी और सो जाऊँगी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।